आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, आज जिस हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत लंबी है, बेहद हसीन और खूबसूरत थी और उनकी हाइट है 5 फीट 8 इंच और वो कहती हैं कि मुझे मेरे ऊंचे कद ने, लंबी हाइट ने फिल्मों में कामयाब नहीं होने दिया। और वो हैं 1985 की मिस इंडिया सोनू वालिया। सोनू वालिया कहती हैं कि जिस दौर में मैं फिल्मों में आई थी उस दौर के हीरोज बहुत लंबे थे लेकिन उम्र भी मुझसे बड़े थे, इसलिए मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई। और जब यंगर जनरेशन्स के हीरो आए तो वो उम्र में तो मेरे बराबर थे लेकिन हाइट में मुझसे बहुत छोटे थे, इसलिए मैं उनके साथ भी काम नहीं कर पाई और मेरा करियर डामाडोल हो गया। फरवरी 1964 में पैदा हुई थी सोनू वालिया दिल्ली में एक सिख परिवार में। उनके पिता का नाम है सतिंदर सिंह वालिया और वो इंडियन आर्मी में थे। सोनू की माँ का नाम है दमनजीत कौर और वो हाउसवाइफ हैं। सोनू की एक बहन भी है और उसका नाम है मोनू वालिया। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि सोनू वालिया का असली नाम है संजीत कौर वालिया और सोनू वालिया उनका फिल्मी नाम है। देखो हातिम, ज़ाहरा का असली रूप देख लो। लेकिन ये सब क्या था? ये सब उस कमीने जादूगर कमला का जादू था जो तिलस्मी मोती टूटते ही खत्म हो गया। लेकिन तुमने इतना नायाब मोती क्यों तोड़वा दिया? अगर मैं ऐसा ना करती तो यहाँ का तिलस्म तुम्हें फना कर देता। सोनू वालिया ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की दिल्ली में। उन्होंने जर्नलिज्म और साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उनके पिता ने साफ साफ कह दिया कि देखो बेटा, 18 साल की उम्र तक तुम्हारी जो भी जिम्मेदारी है वो सब हमारी जिम्मेदारी है, हम पूरी करेंगे, लेकिन जब तुम मेजर हो जाओगी तो उसके बाद तुम्हें अपनी सारी जिम्मेदारी खुद पूरी करनी पड़ेगी, मेरा मतलब है इंडिपेंडेंट हो जाना। इसलिए उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी और 1985 में वो मिस इंडिया बन गई और उसके बाद उन्होंने कई फिल्में साइन कर ली। सोनू वालिया की पहली फिल्म का नाम था आकर्षण। उस फिल्म के डायरेक्टर थे तनवीर अहमद और सोनू के साथ हीरो थे फिरोज खान और संजय खान के सगे छोटे भाई अकबर खान। I want to marry you, अभिषेक। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जाना उसी की तरफ हो जाए आकर्षण।
लेकिन अफसोस कि ये फिल्म चली नहीं, लेकिन सोनू वालिया को बहुत फ़ायदा हो गया क्योंकि उसी दौर में मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और हीरो राकेश रोशन एक फ़िल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था खून भरी मांग। उस फिल्म के विलन थे कबीर बेदी और उनके साथ एक लंबी और खूबसूरत लड़की की तलाश थी जो पूरी कर दी सोनू वालिया ने। तुम्हारी ज्योति ने मुझे एयरपोर्ट से फोन किया था कि वो तुम्हारे गले में अपने प्रेम का पट्टा डालकर तुम्हें यहाँ लेके आ रही है और अब मैं उसे बताने आई हूँ कि तुम कितने बेवफा इंसान हो। नंदले, भगवान के लिए अपनी ज़बान। भगवान? तुम जैसे घटिया इंसान क्या जाने भगवान क्या है? बकवास बंद करो, चलिए यहाँ से। खून भरी मांग हिट हो गई और उसके बाद सोनू वालिया ने कई फिल्में साइन कर ली जैसे तूफान, हातमताई और दिल आशना है। और हम आपको ये भी बता दें कि दिल आशना है की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थी हेमा मालिनी। कैसा लगा? बहुत गंदा। वाहिया, तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आ रही थी, मुझे तो देखते हुए शर्म आ रही थी। ऐसा नाच तो कोई आवारा लड़की ही कर सकती है। लेकिन अफसोस कि इन फिल्मों में काम करने के बावजूद भी सोनू वालिया को वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, इसलिए उन्होंने टेलीविजन को अपना लिया और कई सीरियल्स में काम किया जैसे अर्धांगिनी, बेताल पच्चीसी और महाभारत। क्या मुझे देखकर तुम्हें हर्ष नहीं हुआ? नहीं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि मुझे तुम्हें देखकर हर्ष नहीं हुआ, परंतु राजकुमारी जी, मेरा नाम राजकुमारी नहीं, बहुत सुंदर नाम है, चित्रांगदा। लेकिन अफसोस कि टेलीविजन पे भी कामयाबी नहीं मिली और सोनू ने ये फैसला कर लिया कि अब मुझे फिल्मों में और टेलीविजन पे काम नहीं करना है। उन्होंने काम करना छोड़ दिया और शादी कर ली 1995 में। उनके पति का नाम था सूर्य प्रताप सिंह, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और अमेरिका में रहते थे। लेकिन अफसोस कि सन 2009 में उनकी डेथ हो गई, उनकी किडनीज ने काम करना छोड़ दिया था और वो ये दुनिया छोड़ के चले गए और सोनू वालिया बिल्कुल अकेली रह गई। वो कहती हैं कि 1985 तक तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी रही, मैं मिस इंडिया बन गई थी और बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, यहाँ तक कि मेरे पति भी मुझे छोड़ के चले गए। अपने पति की डेथ के बाद भी सोनू वालिया लगभग 4-5 साल तक अमेरिका में रहीं और उसके बाद वो इंडिया आ गई अपनी बहन और बहनोई के पास। और उसके बाद सन 2016 में उन्होंने अपने बहनोई के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया और उनकी पहली फिल्म का नाम था जोगिया रॉक्स। सोनू वालिया आजकल मुंबई में रहती हैं और उन्हें इस बात का इंतज़ार है कि अगर अच्छे रोल मिले तो वो फिल्मों में और वेब सीरीज़ में ज़रूर काम करेंगी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।